हेलो फ्रेंड, दाना पानी भी सुधा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत स्पेशल स्नैक्स रेसिपी, जो बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी और टेस्टी होने वाला है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू के लच्छे बनाएंगे। आलू के लच्छे बनाने के लिए हम यहाँ 5 आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से धो के हम छील लेंगे। इसी तरह से हम सभी आलू को छील के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू को हमने छील लिया है। अब आलू को हम पतले पतले 4 स्लाइसेस में काट लेंगे, कुछ इस तरह से। अब हम लंबे लंबे शेप में पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। तो आलू को हम इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट के रेडी कर लेंगे। आलू बहुत ही जल्द काला पड़ जाता है। हम एक बाउल में पानी लेंगे। आलू को हम 3-4 बार पानी से धो लेंगे। आलू में जो भी स्टार्च होगा हम धो के निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आलू अच्छे से धो लिया है, स्टार्च भी निकल चुका है। अब हम किचन टावल लेंगे। किचन टावल में आलू के स्लाइसेस को फैला के रख देंगे। आधा घंटा के लिए सूखने छोड़ देंगे। इसमें जो भी मॉइस्चर है अच्छे से हम सुखा लेंगे। आलू को सुखाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम फ्राई करेंगे तो आलू बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा। तो हम अच्छे से आलू को सुखा लेंगे। ये देखिए, आलू अच्छे से सूख चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। पैन में तेल गरम करने छोड़ दिए थे, तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब आलू के लच्छे को डालेंगे और शुरू में गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। आलू के लच्छे को फ्राई करने में शुरू में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। शुरू में आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें और कंटिन्यू चलाते रहें। आप एक बार इसे बना के रख दें, हफ्तों स्टोर करके खा सकते हैं। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर दें और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लें। इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि आलू के लच्छे जले ना। तो ये देखिए, आलू के लच्छे क्रिस्प होने तक फ्राई होके रेडी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इसी तरह से हम दूसरे बैच में भी आलू के लच्छे को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। शुरू में गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद गैस का फ्लेम हाई करके क्रिस्प होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरे बैच में भी आलू के लच्छे फ्राई होके रेडी हो गया है। तो ये देखिए, आलू के लच्छा बनके रेडी हो गया है। अब हम पैन में 3 से 4 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम यहाँ काजू लेंगे। काजू को भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। काजू बहुत ही जल्द फ्राई होके रेडी हो जाता है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि काजू हमारा जले ना। तो ये देखिए, काजू फ्राई होके रेडी हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम मखाना को भी फ्राई कर लेंगे। मखाना डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दे और कंटिन्यू चलाते रहें। मखाना को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है। मखाना को आप जब भी फ्राई करें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। लो टू मीडियम में फ्राई करने से मखाना बहुत ही अच्छा क्रिस्प होता है। ये देखिए, मखाना हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तोड़ने पे अच्छे से टूट रहा है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बॉल में मखाना लेंगे और आलू के लच्छे। ये देखिए, लच्छे बहुत ही अच्छा क्रिस्प हुआ है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। आप इसी तरह से एक बार बना के रेडी कर लें और हफ्तों भर स्टोर करके खाएं। ऊपर से हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें व्रत वाला नमक डाल के मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये हमारा व्रत वाला स्नैक्स बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय।